Hi guys, this is Fahad Ali. Please press the bell icon and never miss an update from Street Swaggers. Hello and what's up guys, this is Raj Shah and welcome to our show Slams with Splitsvilla, where you will get to know more about your favorite Splitsvillans. Today we have none other than Fahad with us. Hello and welcome to Street Swaggers. Thank you so much. Pleasure being here. So first of all, how does it feel being into Villa? Like Splitsvilla mein rehke aapko kaisa mehsoos hua? बहुत अच्छा लगा यार. एक डिफरेंट जर्नी थी. मैं एज एन एक्टर यू नो ऑलवेज हैव डन कैरेक्टर प्लेड कैरेक्टर्स, बट यहाँ पे मुझे खुद जाना था. नए नए लोग मिले, नए नए यू नो उनका नेचर्स होता है बहुत अलग अलग डिफरेंट, तो बहुत ही क्रेजी रहा मेरे लिए, तो बहुत मजा आया. सो लेट्स स्टार्ट स्लैम्स विद फहद फ्रॉम स्प्लिट्सविला सीजन 11. सो सर, व्हाट डज योर फ्रेंड्स कॉल यू, लाइक एनी निकनेम? निकनेम फैडी, दे कॉल मी फैडी. सो व्हाट आर योर हॉबीज? राइट, हॉबीज यार मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, मैं लिखता भी हूँ. शायद थोड़ी बहुत स्प्लिट्सविला में भी देखने को मिला था. पोएम्स मैं थोड़ी लिख लेता हूँ उर्दू में शायरी, और बाकी सॉन्ग्स भी लिख लेता हूँ. अदरवाइज मुझे स्केचिंग का भी शौक है बहुत ज़्यादा, मूवीज़ देखने का शौक है. हॉबीज़ अब जो मैं खुद कर सकता हूँ वो ये है कि स्केचिंग और राइटिंग मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ. सो व्हाट वाज़ योर फेवरेट पास्ट टाइम ऑन सेट्स ऑफ स्प्लिट्सविला? पास्ट टाइम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यार टाइम ही नहीं मिलता था पास्ट टाइम में. बस मतलब पास्ट टाइम जैसे कुछ चीज़ नहीं थी, हमें सोने को भी बहुत कम मिलता था. बिकॉज क्या है ना, एवरी डे यू हैव टू परफॉर्म अ टास्क एंड देन यू हैव योर डोम सेशन. सो मच यू नो यू शुड हैपन एवरी टाइम. बहुत कुछ पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा यू नो. टास्क का क्या है ना कि हमें रोज़ जीतना है गेम. बाहर से इट लुक्स लाइक यू नो वेरी इजी, बट जो एक्चुअली सीन क्या है कि एवरी डे व्हेन यू गेट अप, यू वेक अप, यू हैव टू परफॉर्म अ टास्क, यू हैव टू विन इट टू बी इन द सेफ जोन. तो बहुत स्ट्रेस रहता था यार, पास्ट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं थी. हाँ, जब कभी यू नो आफ्टर डोम सेशन, आफ्टर टास्क वास के बाद मिलता था तो हम सब बैठ के थोड़ी बहुत ऐसी गाने वाने गा लेते थे. सो वही सब, थोड़ा बहुत अगर पास्ट टाइम कहा जाए तो वो सब होता था. आपके फिजिक के काफ़ी चर्चे हुए, सो क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, हाउ डू यू मेंटेन योर फिजिक? आई हैव नॉट बीन रेगुलर, इट्स बीन लाइक 1 month नाउ, बट अदरवाइज लाइक बिफोर एंटरिंग स्प्लिट्सविला, अभी क्योंकि स्प्लिट्सविला में ही मुझे कुछ इंजरीज हो गई, आपने देखा होगा क्यों हुई कैसे हुई सब तो बहुत ही खैर. बाकी यही है कि यार रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम में, और डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट लाइक यू नो यू गो वर्कआउट डू डंबल्स एंड एवरीथिंग, नो. अगर डाइट मेंटेन कर लिया, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही है बीइंग रेगुलर एंड यू नो जस्ट हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ, लाइफ स्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न्स, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम विला? माई बेस्ट फ्रेंड इज कबीरा. और फीमेल? फीमेल फुल नेम. फीमेल में? फीमेल में ज़्यादा कोई क्लोज नहीं थी मेरे, बट आरुषि मेरी क्लोज थी, तो आरुषि एंड अनुष्का. सो सर, व्हाट्स योर प्लान आफ्टर स्प्लिट्सविला? मेरे प्लान्स यही हैं, मैं एक्चुअली टीवी करता ही आया हूँ, तो अभी मोस्टली आई एम फोकसिंग ऑन डूइंग मूवीज. मूवीज़ के लिए मेरी कोशिश है पूरी, बाकी एक वेब सीरीज आजकल बहुत ज़्यादा आ गई है, तो वेब सीरीज़ वगैरह भी स्टार्ट होने वाली है एक दो, तो जस्ट लाइक दैट आई मीन. सो शो में स्प्लिट्सविला सीजन 11 में आपके हिसाब से कौन सबसे बड़ा गेमर है? गेमर? हाँ जी गेमर. मुझे कहीं ना कहीं श्रुति एंड रोहन गेमर, गेमर नहीं, आई मीन बीइंग अ गेमर ऑल्सो फाइन, यू आर इन अ रियलिटी शो, यू हैव टू विन इट. सो बट ये है कि बहुत स्मार्ट लगे मुझे रोहन एंड श्रुति, एंड देन जो भी एक दो रोडी से बाद में भी आए हैं आपने देखा होगा अभी, क्योंकि दे हैव दिस एक्सपीरियंस ऑलरेडी, एडवांटेज है, उन्होंने रोडीज एक्सपीरियंस किया है, तो वो बहुत अच्छे से यू नो गेम खेल पाए हैं. तो मेरे ख्याल से श्रुति बहुत स्मार्ट है. और आपके हिसाब से सबसे फेक कौन है? सबसे फेक तो यार मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो शगुन ही लगा मुझे. मैं ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा इसके आगे उसके बारे में. थैंक यू सो मच. डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड. ड्रीमर. So in the end, a message for fans and viewers watching you out there. A message? Yeah. Guys, thank you so much for all the love and support जो भी आप मुझे दे रहे हैं अभी तक. मतलब मैं ज़्यादा आप कितना भी शुक्रिया अदा करूँ उसका बहुत कम है, क्योंकि बहुत अनकंडीशनल है यार. और हालांकि मैंने टीवी पहले किया, लेकिन रियलिटी शो में जो नए लोग जुड़े हैं, जिन नए लोगों ने देखा है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. एंड बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यू नो कई बार बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते हैं गेम को लेके. आपको समझना चाहिए कि एक रियलिटी शो है, असल ज़िंदगी में नहीं है, तो थोड़ा सा लाइटली, डोंट टेक इट टू योर हार्ट दैट सीरियसली. सो या जस्ट बी हैप्पी. एंड वो थोड़ा हेटरेड वाला पार्ट भी आई एम फेसिंग दीज डेज समटाइम्स, यू नो आई गेट वेरी बैड मैसेजेस अब्यूजिंग एंड ऑल दैट. मैं यही कहना चाहता हूँ, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, जस्ट बी हैप्पी, स्प्रेड लव, दैट इज इट. या कीप लविंग. Keep loving, keep showering your love and support. Okay, so और
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर लगे इंडियन बॉलीवुड, हाँ जी एक्टर यार शाहरुख खान है, वो तो हम सबको पता ही है, एंड इरफान खान है, या इरफान एंड शाहरुख, जस्ट प्योर एक्टर इरफान खान. सो थैंक यू फहद फॉर बीइंग इनटू स्ट्रीट स्वैगर्स. थैंक यू सो मच, सुपर फन. वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम फैशन सीओडी इंस्टाग्राम पेज. थैंक यू सो मच, आपके लिए आया ये. हाउ स्वीट. ठीक है, आप देखना अगर आपको पसंद आए. श्योर श्योर. हेलो गाइज, अभी तक आपने इस चैनल पे अभी तक फनी वीडियोस देखे होंगे, प्रैंक्स देखे होंगे, लेकिन ही इज कमिंग अप विद मच मोर देन दैट, मोर एंटरटेनमेंट फॉर यू गाइज. सो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब स्ट्रीट स्वैगर्स. सो गाइज, फॉर मोर सच एसेसरीज यू हैव टू फॉलो फैशन सीओडी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. थैंक यू.